भगवान भगवान दिव्यांश। चलो लिखो जल्दी से। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। किसी को पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का टोटल क्या होता है? फॉर्मूला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। देखो टोटल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, मतलब आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वन से शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है, वन टू थ्री इस तरह से जाएगा वो कंटिन्यू होकर अल्टीमेटली एन तक जाता है, और वो एन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा यहां से लेके नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो यहाँ शुरू टेन तक होगा वन जाएगा। टू थ्री अप टू 10 तक जाएगा। और 10 नेचुरल नंबर्स का सबका सम करना, ये टोटल आप ऐसे ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू नॉट एन, सब एक तो एन बोलेगा दूसरा भी एन बोलेगा। कैसे अच्छा से गलती कॉम्बिनेशन में गलती करना है सीरीज में। सो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये टोटल सम ऑफ नंबर्स हुआ। बट ये सम ऑफ नंबर्स होगा टोटल। अब इसीलिए अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम लोगों को क्या पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर्स का सम कर दो डिवाइडेड बाय एन करते हैं। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या था, वन प्लस टू प्लस थ्री इस तरह से ऐड करना है अप टू कहाँ तक जाना था, 10, और डिवाइडेड बाय कितना करना है, कितने नंबर्स का सम है, 10 का। तो 10 से डिवाइड कर लो। यही चीज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ये टोटल नंबर्स का सम तो ये हो गया, और एन से डिवाइड करना है मतलब 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एन से जब डिवाइड करोगे तो ये एन और एन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 11 बाई 2, और 11 बाई 2 होगा 5.5। 5.5। 5.5 इज द आंसर। ठीक है, तो सम सॉरी एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर जो होगा वो डायरेक्टली 5.5 फाइव आप पॉइंट बोल फाइव सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी तरह सम ऑफ बोला जाए 100 नंबर्स का होगा, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना हो, एंड 100 एवरेज नंबर्स का, 100 नेचुरल 55 नंबर का टर्म क्या आ जाएगा, 55। ठीक 55 यस मैम। है, इसी तरह अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, इस तरह से स्क्वायर वर्ड डाल दिया जाए, स्क्वायर ऑफ इस टर्म का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला नहीं याद है मैम। नहीं याद है? और किसी को कौन प्रॉब्लम है मैम? अच्छा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हम पूछ रहे हैं अभी? अब उसको सर्च करोगे, पहले ऑन करो तो कैमरा। कैमरा ऑन करो, दिखाई दे मुझे, उसके बाद बताओ। क्या बताना रिपीट है मैम? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या ये क्या एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स? नहीं, कुछ मिसिंग है, ज्यादा गूगल पे भरोसा करने से यही सब होता है, याद ही नहीं रहता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो।
द एवरेज ऑफ, वो हम बताते हैं, वो भी बताते हैं, द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स, द एवरेज ऑफ फोर नंबर्स इज 27, which is average of four numbers is 27, which is even. मतलब in short ये हुआ कि average of four even number is 27. Find the numbers. चार नंबर है जिसका एवरेज जोड़ते हैं तो एवरेज करते हैं तो वो 27 आता है, और वो जो चार नंबर है दैट नंबर इज इवन नंबर. इवन नंबर है मतलब कभी कहीं ना सब टू से डिविजिबल होगा. उन सबको जब आप सम कर रहे हो और फोर से डिवाइड कर रहे हो तो वो 27 आ रहा है, देन द नंबर्स आर, वो नंबर क्या होगा? मैंने कैमरा सबको ऑन करने के लिए कहा था. अभिनव कैमरा ऑन करो. अनुपमा, दिव्यांशु, पल्लवी. मैम नीचे से कर रही कैमरा, एम सो गया है. चुप रहो, शांत रहो. सनी तुम भी कैमरा ऑन करो. ठीक है कैमरा ऑन करो ना, कोई बात नहीं. सृष्टि कैमरा ऑन करो. चलो बाहर निकाल दीजिए, जो ऑन नहीं कर रहा है मैम. ठीक है हो गया. चल घर का बात करने लोगों को कितना मन लगता है, बताओ क्या होगा? एवरेज ऑफ इवन नंबर्स हमने कहा है वो 27 है, एवरेज ऑफ फोर इवन नंबर्स. सो नंबर्स क्या होंगे? अभिषेक सॉल्व करो ना, ऐसे बैठने से थोड़ी बन जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन रहा है, हम बैठे हैं देख रहे हैं. इज इट ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल डाल दिया, क्वेश्चन बन जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कुछ. तो सॉल्व करोगे तब तो होगा. अभिषेक हंसी मजाक बाद में करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो. नितीश कैमरा ऑन करो और मुझे सॉल्यूशन बताओ. वैष्णवी. यस मैम. क्वेश्चन बन रहे हैं? यस मैम बना रहे. अभी तक आंसर किसी का नहीं आया मुझे, इतना लंबा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं. बताना पड़ेगा क्या बन जाएगा, बताइए ना मैम. मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो, और किसी का वेट कर लेते हैं क्योंकि तुम तो जब से बैठे ही हो क्वेश्चन लिखते, कोई रिएक्शन तो मुझे दिखाई नहीं है कि सॉल्व करने के लिए है. मुकुल बनेगा? बन रहा है, ट्राई कर रहे हैं मैम, कोशिश कर रहे हैं. झूठ मत बोलो, बनेगा तो बोलो, झूठ बोलो. टाइम पास देखो है क्या, गूगल कर रहा है तुम लड़का मुकुल. कौन क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये सब लगा हुआ है, खुद का कभी दिखता नहीं है. खुद तो आज तक एक क्वेश्चन बनाया नहीं है मैम आपसे. एग्जैक्टली. चलो देखो यहाँ पे
हमारे पास थ्री नंबर सॉरी फोर नंबर्स है और फोर नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम लोग ये तो मान सकते हैं, और नंबर हमें पता नहीं है क्या है, तो हमें ये तो मान सकते हैं एक्स एक नंबर हो सकता है, अननोन नंबर, वी डोंट नो कि कौन सा नंबर है, बट वो एक्स हो सकता है। दूसरा नंबर हम ये चार नंबर दिया गया है, तो चार नंबर कभी भी है और वैल्यूज दिया हुआ है कि इवन नंबर्स है, तो आप मान सकते हैं कि जो टर्म्स होगा अगर वो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव ही दिया हुआ है, एक्स और एक्स प्लस टू है, इवन नंबर है, दूसरा एक्स प्लस टू हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट अगर इवन नंबर टू होता है तो सेकेंड इवन नंबर फोर हो जाता है, थर्ड सिक्स हो जाता है, तो कंसेक्यूटिव भी क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, इस तरह से इवन नंबर्स आएगा। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस टू हो जाएगा, इवन नंबर और कंसेक्यूटिव इवन नंबर। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो x प्लस फोर हो जाएगा, थर्ड फोर्थ जो हो जाएगा वो x प्लस सिक्स हो जाएगा। इस तरह से ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मिल गए। इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो, टोटल सम जब ऐड कर रहे हैं और फोर से डिवाइड कर रहे हैं, देन हम लोगों को क्या मिला है, 27 आ रहा है, तो सारे नंबर्स को जोड़ दो, उसको चार से डिवाइड कर दो, तो 27 आ जाएगा क्योंकि एवरेज जो है ये सारे नंबर का कितना है, 27 है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स एक्स, फोर एक्स वी आर गेटिंग, न्यूमरेटर में ये मिला और ये नंबर क्या मिला, टू फोर सिक्स, तो ये 4 आप इधर ला सकते हैं बहुत आराम से, 27 into 4 लिख सकते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा, आराम से आ सकता है। अब आपके पास आया क्या, 4x, 4x is equal to 27 into 4, 27 into 4 plus, sorry not plus, minus हो जाएगा, इधर plus 12 है तो इधर minus 12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से x का जो भी वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर निकालना है तो ये 4 से इस पूरे को डिवाइड करोगे घर ला के, तो अल्टीमेटली आप यहाँ से 4 हटा के लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 27 into 4 minus 12 divided by 4। अब इसका जो भी वैल्यू है वो x है, तो x जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, x प्लस टू जोड़ोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, x प्लस फोर करोगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा, और x प्लस सिक्स करोगे तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। तो चार का चार नंबर यहाँ से मिल जाएगा हमें। अब इसी में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फर्स्ट नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर क्या आएगा, थर्ड नंबर क्या होगा, फोर्थ नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। अगर पांच होता या तीन होता, मिडिल वन भी पूछ सकता है, तो इस तरह से सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। अब एक्स का आंसर क्या होगा बताओ, 24 30 हो गया। अब इन सबको जोड़ के आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एवरेज आता होगा, करके देख सकते हो, ये चेक करने के लिए जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि कभी भी जब हम इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ये लाए हैं तो ये आंसर इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, बट फॉर सेटिस्फैक्शन आप चेक कर सकते हैं, ये सारे वैल्यूज को जब आप जोड़ेंगे और फोर से डिवाइड करेंगे तब आपको 27 आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में ये इवन नंबर ना होकर ऑड नंबर होता तो क्या होता, हो सकता था क्या ये बताओ तो मुझे, हो सकता था, बस ये जो नंबर में एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इसकी जगह चेंज कर देते हैं, नहीं वो वही रहता, लेकिन वैल्यू जो इधर आंसर आता वो अलग होता, क्योंकि कभी भी अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, तो पहला नंबर वन ले लो, एक्स की जगह वन ले लो, वन होता तो थ्री होता, ये फाइव होता, तो अगेन क्या होता, वन प्लस टू, थ्री प्लस टू, मतलब एक्स प्लस टू एक्स प्लस
फोर एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इसी तरह से जाता, मतलब डिफरेंस जो होता है ना इसमें भी टू का होता है इसमें भी टू का होता है, इसलिए एक्स एक्स प्लस टू ये वाला टर्म वही रहता, ये वैल्यू ही बदल जाता। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो, ऑफ द थ्री नंबर्स ऑफ द थ्री नंबर्स सेकेंड इज द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, ऑफ द थ्री नंबर्स सेकेंड इज द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड ऑल्सो इज द थ्राइस ऑफ द थर्ड and also is the thrice of the third. If the average of the three number, if the average of the three number is 44, find the largest number. If the average of the three number is 44, find the largest number. देखो जरा क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है ना, इंफॉर्मेशन कैसे दिया, लिंक इंफॉर्मेशन है इस बार। मैम एक बार और क्वेश्चन हुआ बोल दीजिए ना मैम, सिर्फ उसका छूट गया था मैम। ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड इज आल्सो द थ्राइस ऑफ द थर्ड, सेवेंटी टू मैम आंसर। आंसर 72 आ रहा है मेरा, 72 आया लार्जेस्ट नंबर। हाँ हम पहले थ्राइस मतलब थर्ड नंबर को एक्स मान लिए, तो मिडिल जो था वो फर्स्ट नंबर का ट्वाइस था और थर्ड नंबर का थ्राइस, तो मिडिल वाला को हम 3x मान लिए और फर्स्ट नंबर को वो 1.5 मान लिए। मिडिल नंबर को ये मान लिया, इसको क्या मान लिया 1.5, फर्स्ट को 1.5, सेकंड को 1.5x, सेकंड को 3x और लास्ट को x मान लिए। अच्छा ठीक है, इन सबको जब ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? यस मैम 72 होगा मैम। इन सबको जब जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है? 3x 4x और 5.5x is equal to यस मैम 44 5.5x is equal to 44. और 5.5x by 3. 5.5x by 3 क्यों करेंगे? 3 मैम एवरेज निकालने के लिए, मतलब इक्वल टू कर रहे हैं मैम। 5.5 तो ये x उधर चला जाएगा, अल्टीमेटली 5.5x का वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास बचा 44 ना, 44 into 3 divided by 5.5. Yes मैम 5.5. तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो अल्टीमेटली 44 3 3.5 क्या रहा है? 72 आएगा। x मैम 24 आ जाएगा, x का वैल्यू 24 होगा। यस मैम तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 24 आ गया, तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट मैम। और स्मॉलेस्ट वैल्यू 24, सेकंड वैल्यू जो होगा 24 प्लस 12 और ये हो जाएगा 72। ठीक है
चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो, ये रेस कर दो सारा। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, देयर इज अ 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, there is a 35 student in hostel, due to the admission of 7 new student, the expenses of the mess, ma'am aram aram se question boliye na ma'am, aram se kitne aram se bolenge ma'am, shuru se boliye na ma'am, student tha hostel mein, 35 students was in hostel, due to admission of 7 new students, the expenses of mess were increased by 42 rupees per day. Increased by 42 rupees per day. While the average expense 32 ma'am. 42. While the average expense per head is diminished by ₹1, while the average expense per head is diminished by ₹1, then what is the original expenditure of the mess? Then what is the original expenditure of the mess? Chicken? बताओ जरा क्या होगा, पहले से हमारे पास जो थे 35 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, 7 नए न्यू स्टूडेंट्स आ गया है, 7 नया बच्चा आ गया है, अब वो क्या गया है, जो भी एक्सपेंडिचर था वो 42 रुपीज पर डे इंक्रीज हो गया, मतलब जितना एक दिन का खर्च होता था उससे 42 रुपए एक दिन में ज्यादा खर्च होने लगा है, बट जो एवरेज है वो एवरेज एक्सपेंस जो है 1 रुपया कम हो गया, मतलब 35 का जो एवरेज होता वो जितना भी होता उससे 1 रुपया कम हो गया है जब इसको एड कर दिया गया है उसमें तब। अब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कंबाइंड मैम ओरिजिनल को तो हम एक्स मान सकते हैं। हाँ ठीक है, एक्स मान के चलते हैं, जो नहीं पता है और जो कैलकुलेट करना उसको एक्स ही कंसीडर करके चलते हैं। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो मैम ओरिजिनल एक्स हो जाएगा फिर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर 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 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 420 है तो मुझे ये बता सकते हो क्या अभी का एक्सपेंस क्या होगा? अगर ओरिजिनल जो भी एक्सपेंडिचर है दैट इज 420, तो व्हाट इज द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस राइट नाउ? ₹84 रुपीस, कहाँ 420 पहले से था, 84 रुपीस अभी कैसे हो सकता है? मैम जैसे ओरिजिनल हम लोग एक्स मान लिए और फिर टोटल हमारा हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर 35x, तो फिर टोटल एक्सपेंडिचर 35 कहाँ है जी? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 35 थे पहले,
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज 35 आई थिंक, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस. अभी का एक्सपेंडिचर क्या होगा हम ये पूछते हैं. अंकित तुम्हारा क्वेश्चन बना. मैम 420 आया है. मैम 420 आया है ओरिजिनल एक्सपेंस. इनिशियल एक्सपेंसेस मैम और ओरिजिनल. अगर ओरिजिनल एक्सपेंस ये होगा इनिशियल, वो अभी का एक्सपेंस कितना हो सकता है बता सकते हो? अभी क्या एक्सपेंस नहीं समझ रहा है मैम, क्या बोल रहे हैं ये क्या है? एक मिनट, फॉर द गिवन कंडीशन क्या किया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया पहले उसका क्या खर्च होता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अभी उसका खर्च कितना है, टोटल खर्च. यस मैम एक सेकंड. हाँ जी तुम बोलो, आप क्या बोल रहे हो बोलो. मैं बोल रही हूँ ओरिजिनल तो एक्स है हमारा. हाँ ठीक है ओरिजिनल एक्स है, टोटल हमारा 35x है. ठीक है टोटल 35x पहले था, अभी यस नहीं है. अभी नहीं है पहले हाँ. था. ठीक है तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 35x और तो फिर ऐड कर देंगे बताओ जो भी ये हो. मैम एक बार आप बता दीजिए ना, इसको बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है मैम. इसमें आंसर तो आ जा रहा है लेकिन मैम देखो यहाँ पे जो डेटा गिवन है पहले वो नंबर लिख लो. 35 एवरेज था हमारे पास तो हम लिख सकते हैं एक्स बार. जो इनिशियल एक्स बार था दैट इज 35, सॉरी 35% है. दिस इज एन जो लिखा हुआ था. उसके बाद 7 लोग नए आ गए. उसके बाद 42 रुपीज जो है एक्सपेंस, 42 रुपीज एक्सपेंस जो है 42 रुपीज पर डे इंक्रीज हुआ है ना. मतलब इस 42 रुपीज में हर का पार्टिसिपेशन है. अब जो पहले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो 35 था और अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना हो गया? 35 + 7. ये तो श्योर है, जब इसको जोड़ोगे तभी आएगा. मतलब टोटल अब जो है वो N2 जो है वो 42 हो गया. ठीक है उसके बाद ये बोला जा रहा है कि 42 रुपीज. ये चीज पहले देख लीजिए, पहले आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं. ये चीज एक मैटर करने वाला चीज है. और एवरेज एक्सपेंस जो है वो क्या है वो देखिए. पहले से हमारे पास जो खर्च हो रहा था वो एवरेज एक्स था मान लिया. ठीक है एवरेज एक्स. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज जो भी था वो एवरेज जो है एवरेज से 1 रुपया कम हो गया है. यही था ना क्वेश्चन में? देखो तो जरा. यस मैम. एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, डिमिनिश्ड बाय ₹1. सो एवरेज रुपीज जो है ये एक्सपेंस टोटल है और अभी जो है वो नंबर ऑफ पर्सन 42 है. तो सिंपली 42 इंटू एक्स माइनस 1 जो होगा दैट इज द एवरेज ऑफ राइट नाउ. एवरेज ऑफ जो न्यू नंबर है वो हो जाएगा जो भी अभी प्रेजेंट स्टेट है उसका. ये टर्म आपका इतना आ गया. उसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो 35 था वो पहले था तो इसका एवरेज आप बोल सकते हैं 35% और टोटल एक्स अमाउंट था एवरेज. तो 35 इंटू एक्स जो होगा वो टोटल खर्च हो जाएगा क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता था. एक्स बार इज इक्वल टू टोटल समेशन
डिवाइडेड बाय एन, तो टोटल खर्च जो हो गया वो ये हो गया, इसमें से एन इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट जाएगा, तो 35 इंटू एक्स ये रिजल्ट होता है। जो प्रेजेंट एवरेज और इसका मल्टीपल है वो इतना है टोटल एक्सपेंस, और 35x जो होगा वो इतना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है 42 क्वेश्चन में, क्योंकि 42 रुपीज ये जो हम यहाँ लिखे थे कि 42 रुपीज पर डे जो है वो एक्सपेंस कितना हो गया, बढ़ गया है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का ये 42 है। इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो कंबाइंड प्रॉपर्टी जो पढ़े होगे क्वांटिटेटिव मेथड्स में उसके बेसिस पे भी बना सकते हो, दोनों ही तरीका एप्लीकेबल है, हम दोनों ही तरीका ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिए हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ आ नहीं रहा है, सिंपल 4x 22x और ये वाला टर्म आ जा रहा है, तो आप इसको 42x - 42 - 35x इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे उतना अप्लाई करने का कंबाइंड फॉर्मूला। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7x is equal to 84 and this is equal to 42 यहाँ पे आ जाएगा तो 84 आ जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाता है x का वैल्यू 12 ठीक है, ये x का वैल्यू 12 आ गया। अब x का वैल्यू 12 है, मतलब x क्या था, जो एवरेज पर हेड एवरेज इतना है, पर हेड एवरेज 12 रुपीज था, अब पर्सन कितने हैं, 35 थे पहले, तो 35 इंटू 12 जो होगा ये इसका एक्सपेंस होगा, जो कि तुम लोग निकाल के बैठे हुए हो 420 या पता नहीं क्या, यही है ना। Yes, ma'am. ये इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है पहले का, लेकिन जो x है, अगर हम इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि अभी प्रेजेंट एक्सपेंडिचर जो है उसका ये क्या होगा, तो प्रेजेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एवरेज x ना होकर x माइनस वन हो गया है, मतलब अभी का एक्सपेंडिचर यही है ना x माइनस वन, पहले x एवरेज था, अभी क्या हो गया, 1 रुपया कम हो गया था, 1 रुपया कम हो गया अगर एवरेज एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू 12 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, x माइनस वन निकालना पड़ेगा तुमको, जो कि 11 हो जाएगा, और ये 11 रुपए खर्च हो रहा है कितने लोगों पे, अभी 42 लोग हैं उनपे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो प्रेजेंट एक्सपेंडिचर बताएगा। yes, 462 में हाँ, जो भी ये टर्म आपके पास आ जाएगा ये आंसर इसका होगा। पहले का ओरिजिनल वाला केस, यहाँ x के टर्म में रिजल्ट आ रहा था, हमें x का वैल्यू चाहिए था, बट हमें अभी वाले के लिए x माइनस वन चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभी के चाहिए ना कि पहले का चाहिए, यही चीज यहाँ पे है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है तो क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बनता है, एक सिंपल एक्सटेंशन पूछ दिया जाए तो पता चलता है सब गायब है, तो ऐसा मत किया करो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, इसको सॉल्व किया जा सकता है बहुत सिंपल वे में। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, इसको निकालने में इतना टाइम लगेगा, 3 का 5 मल्टीपल निकालो ना क्या होगा, 7 9 9 9 7 आ रहा है, 1 तो 9 आ रहा है, आंसर किसका है सही, पहला मल्टीपल तो 3 का 3 ही है, दूसरा मल्टीपल 6 है, थर्ड मल्टीपल 9 है, फोर्थ मल्टीपल 12 है, फिफ्थ मल्टीपल 15 है, सब को जोड़ दो, 9 आएगा, वो गूगल सर्च करके बता रहा है इसलिए उसका सही आ रहा है। नो मैम, पता था, आपने एक बार बताया था ये, पता नहीं मुझे तो याद नहीं है कि मैंने बताया था,
बस हम क्या बताते हैं मुझे याद रहता है। खैर चलो ठीक है वैष्णवी, क्लियर है? यस मैम। इसमें तो कुछ नहीं करना था। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, द नंबर 5 इज द एवरेज ऑफ 6, 7, 2 and x. 5 is the average of 6, 2, 7 and x. And the average of 18, 1, 6, x and y is 10. What is the value of y? What is the value of y? बताओ जरा, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, आई थिंक सेट ऑफ 4 नंबर्स दिया है जिसमें एक अननोन वैल्यू है एंड द एवरेज ऑफ दैट इज 5। उसके बाद एक अनदर सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है जिसमें x और y दोनों टर्म इन्वॉल्व है और उसका एवरेज भी दिया हुआ है। आई थिंक कितना दिया हुआ है एवरेज? 10। ठीक है, देन हम लोगों को y का वैल्यू मैम y 20 आएगा। y 20 मैम, y 20 आ रहा है। Yes, कैसे जरा बताओ क्या क्या वैल्यूज है, वैल्यूज बताओ पहले मुझे। मैम पहले तो x का निकाल लिया, उसके बाद उसका वैल्यू बताओ, वैल्यूज बताओ क्या क्या लिखा था मैंने, वैल्यूज क्या था? 6, 7, 2 and x मैम, उसका एवरेज था 5। 6 + 7 + 2 + x and this term being divided by 4 and that is equal to 5। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, 7 कितना हो जाएगा 13। 13 होगा ना, 13 ना, so 15 + x तो आपके पास ये हो जाएगा 20। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। yes, 15 + x is equal to 20, so ultimately x is equal to 20 - 15, that is 5। उसके बाद दूसरा सेट ऑफ नंबर क्या है? 18, 1, 6 + 6 + x + 5 + x + 5। मतलब आखिरी वैल्यू वही अननोन वैल्यू है। सो दिस इज x एंड y, अब ऐड कर लोगे जब सबको तो x का वैल्यू तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं, 5 डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, ऑलरेडी आ चुका है x plus y and that term divided by कितना होगा? 5 and that is equal to 10 दिया हुआ है, तो 50 हो जाएगा ये। अब इन सबको जोड़ो 11, 12, ठीक है 20 आ जाएगा, सही है। मतलब दिस इज 50 - 30, तो अल्टीमेटली y is 20। चलो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद आ गया? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं किसी को नहीं याद है? याद था, बताया है तो आप बोलिए गलत है मैम। ये बताए थे वो तो गलत था, तुम्हें एक फैक्टर छोड़ दिए थे। अब दूसरा नहीं याद है मैम, वही याद है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जब लिखते हैं तो उसका होता है n n+1, जो आपका पहले से था वो तो रहता ही है।
प्लस वन वाला और टू एन प्लस वन हो जाता है डिवाइडेड बाय सिक्स. इसमें एन वाला फैक्टर कहाँ तुम बोल रहे थे? ये वाला फैक्टर एन छूट गया था मैम शुरू वाला मैम. तो वही स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर था तो ये होगा. अब एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ टेन नेचुरल नंबर बताओ तो इस फॉर्मूला के रेफरेंस में वन से लेकर टेन तक का ये पूरा टर्म ऐड होगा और उसका एवरेज जानना है मुझे. एवरेज ऑफ टेन नेचुरल नंबर सॉरी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ टेन नेचुरल नंबर फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर. The average of square of first 10 natural number is क्या होगा मुकुल? Yes ma'am. बताइए तो इसका क्या होगा. अब करके देखो तो फॉर्मूला पे साथ में तुम इसका एवरेज निकाल रहे हो तो तुमको एन से डिवाइड भी करना पड़ेगा मतलब टेन से डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो दिस विल कैंसिल दिस वन. अल्टीमेटली अब जो आएगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है ये तुम डिवाइड करोगे तो 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6 ठीक है. अगर फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर होता तो क्या होता देखो जरा. फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर स्क्वायर में या फिर सिर्फ नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर ट्वेंटी होगा मैम. ट्वेंटी यस मैम. ट्वेंटी कैसे होगा? ट्वेंटी ही होगा मैम. चलो ठीक है. अच्छा ठीक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे एवरेज को और भी कुछ. एक टाइप का दो टाइप का क्वेश्चन और है जो हम नहीं कर पाए हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. एवरेज में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है कुछ फिक्स टाइप का क्वेश्चन ही होता है जो करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे. Thank you, ma'am.